बस्ती जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी में तारीख देखने आए कौशल चंद्र बीते 6 जून को अचानक लापता हो गए। घर वालों ने काफी तलाश की लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। सभी रिश्तेदारों के यहाँ फोन किया लेकिन वहाँ पर भी कौशल चंद्र का कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन कुछ दिन बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से किसी तरह से पीड़ित भाग कर घर पहुँचा। उसने आप बीती बताते हुए कहा कि 6 जून को कचहरी में तारीख देखकर अपने गांव कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सैठा जा रहा था। एक बोलेरो गाड़ी रोकी जिसमें एक ड्राइवर बैठा था। उसने कहा कि आपको घर छोड़ दूं, जिसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गया। आगे जाकर गाड़ी में 3 और लोग बैठ गए जो उनके गाँव से उनकी पुरानी दुश्मनी थी। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और रुमाल सूंघाकर बेहोश कर दिया और एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। जिसके बाद जब मुझे होश आया तो किसी तरह से मैं जान बचाकर वहां से भागकर घर पहुंचा। जिसके बाद थाने में तहरीर दी गई लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग कोर्ट की शरण में आए हैं, जहाँ से गाँव के 3 अपहरणकर्ताओं कृष्ण कुमार, अंकुर और नूतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा घटना की विवेचना की जा रही, जल्द ही जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय को भेजी जाएगी। यहां हम कचहरी पर आए थे 5 तारीख 6 महीने में, लगभग 7 बज रहा था। तो यहाँ से हम कचहरी से जो है निकल के जा रहे थे सवारी के लिए बाईपास पर। तो बाईपास पर जो है हम पहुँचे जो है कुआनो पुल पर। वहाँ एक बोलेरो आई तो उसने कहा कहाँ चलना है। हमने कहा कि हमको जो है जाना है वहाँ संसारीपुर चौराहे पर। तो कहा कि बैठो, बैठा लिया। वो केवल ड्राइवर ही था उस बोलेरो में और कोई नहीं था। यहाँ से बैठा के ले गया तो ओवरब्रिज के पास, कुटहिया ओवरब्रिज के पास जो है वहाँ गाड़ी रुका। जैसे रुका तैसे 3 आदमी जो है आकर के बैठ लिए उस पर। एक ओम प्रकाश, दूसरा रामकृष्ण और तीसरा जो है रामजनक। हम जब इन लोगों को देखे, हमारी इनकी दुश्मनी थी तो हम उतरने लगे, लेकिन हमको जो है ओम प्रकाश और रामजनक ने पकड़ के दबा लिया, निकलने नहीं पाए। और जो है तुरंत कृष्ण कुमार ने हमारे मुँह पर जो है रुमाल एक रखा, जिससे हमारा होश जो है तुरंत गायब हो गया। हम उस पार जाते जाते नहीं पता पाए, पुल के उस पार जाते जाते हमको ये नहीं पता चला कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। वहीं से जो है हमको लेकर के गए और हमको आज जो है लगभग 16 तारीख तक जो है हमको अपने बंदी में रखे रहे। तो फिर आप कैसे छूटे वहाँ? वहाँ ये लोग जो है उस दिन जिस कमरे में हमको रखे थे वहाँ जो है ताला नहीं लगाए थे, निकल गए थे। हमको होश आ गया था तो हम वहाँ से निकल करके चले आए। सब 5 तारीख को 5/6/2023 को हमारे पिताजी कचहरी आए हुए थे। कचहरी से शाम को जा रहे थे, इनका भी अपहरण हो गया। इसके बाद हमको बाद में जब पता चला तो हम उसका सूचना एसपी साहब को दिए, एसओ साहब को दिए, सबको दिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हम कच्ची अदालत में दाखिल किए, वहाँ से हमारा 156(3) से आर्डर हुआ और FIR लिखा गया। FIR दर्ज हुआ जी। तो कैसे ये मिले हैं आप? अभी हमारे वकील साहब ने हमारे पास फ़ोन किया कि यहीं आए हैं, बयान देने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर आए तो हमको पता चला। मामला तो उसके बाद पता चला कि ये इनके पुत्र कौशल चंद द्वारा 10 अक्टूबर को एक FIR कोर्ट के माध्यम से थाना कोतवाली पर दर्ज कराई गई कि उनके पिता कमलेश वह 3 लोगों ने अपहरण कर लिया है, जिसमें कृष्ण कुमार, ओम प्रकाश और रामजनक को उन्होंने नामजद किया था। आज जो भी अपहृत थे वो स्वयं थाने पे आए और उनका विवेचक के द्वारा बयान दर्ज किया गया है और इनको न्यायालय में प्रस्तुत करके इनका वहाँ बयान दर्ज करा करके इस विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। ठीक है।